ब्लॉक के कटापत्थर में यात्रियों से भरी बस में आग लग गई। सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया है। आग लगने की मुख्य वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं सिर्फ उत्तराखंड समाचार पर। कटापत्थर में एक बस में आग लगी जिसमें कई लोग बैठे हुए थे, लेकिन लोगों की सूझबूझ से उन्हें सकुशल बाहर निकाला गया। तो इस वक्त की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर सिर्फ उत्तराखंड समाचार पर। वायरिंग शॉर्ट हुई, अपना भाग लग गए गाड़ी में, यहाँ ही सारे उतर गए, किराए था पता नहीं, चलते चलते लग गए आग पता नहीं। नमस्कार दोस्तों, अभी हम मौजूद है कटापत्थर में। कटापत्थर में ये भीमखड़ है, भीमखड़ नाम की एक जगह है जहाँ पर ये ब्रिज है। ब्रिज से पहले एक बहुत बड़ा एक हादसा हुआ है, यात्रियों से लदी बस जिसमें ड्राइवर के अनुसार इस बस की वायरिंग में कहीं शॉर्ट हो गया था, शॉर्ट सर्किट हो जाने के कारण बड़ी भीषण आग लग गई। यहाँ पर जो बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो यात्री थे वो सभी सुरक्षित है, हालांकि उनका सामान तो जल के राख हो गया है। आप देख भी सकते हैं मेरे पीछे ये किस तरीके से ये आग ने अपना भीषण रूप पकड़ा है। ये पूरी के पूरी जो बस है, इस बस में 42 सीटर बस है, ये इसमें तकरीबन 38-40 यात्री थे जो अभी सुरक्षित है, और सुरक्षित उन लोगों को बाहर निकाला भी गया है। अभी मीडिया के द्वारा ही और कुछ ही